सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं बजाज शोरूम, आप देख सकते हैं, जो कि फ्रंट कैमरा शूट कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी गाड़ी नई आई है तो अंदर चल के देखते हैं, ठीक है। तो फाइनल शोरूम आ गया, इधर देखिए 220 है। सबसे पहले का आज हम बताते हैं, और जो इसकी इंजन 220 सीसी की इंजन आती है, फोर स्ट्रोक 2 वेल्व BS6 इंजन अभी भी आ रही है। तो इसकी पावर की बात करें तो 20.4 PS पावर है, और टॉर्क की बात करें तो 18.55 है, और जो कि डबल डिस्क में आती है, ट्यूबलेस टायर है, 1 सिलेंडर इंजन है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 1.45 लाख है, 1,45,000, ठीक है। तो इसकी लुक्स देखिए काफ़ी बेहतरीन है, और इसकी जो हैंडल है, हैंडल पोस्चर आप देख सकते हैं, जो कि पूरी सेम आती थी उसी तरह है, और रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है। और इधर 220F की बैजिंग है, और इधर इंजन देखिए, और ये क्रोम फिनिश में आती है यहाँ वाला। तो चलिए इधर आते हैं थोड़ा सा, और फ्रंट लुक जो बजाज की लोगो मिलती है आगे वही आपको मिलती है, और इधर इधर भी क्रोम है, मतलब दोनों साइड दिया हुआ है। और इसकी जो साइलेंसर आती है मेट ब्लैक में है पूरी, तो काफ़ी अच्छी है। और इधर DTSI का बेजिंग है बजाज लिख के, और इसमें प्लास्टिक का भी है, तो न्यू गाड़ी है, मत शोरूम से बना रहा हूँ। तो डबल चैनल ABS आती है फ्रंट का, और ये रहा पीछे का, ठीक है। और टायर साइज़ भी आपको 120 का मिलती है, 120 80 17, और आगे में 190 17 है। तो इसकी इंडिकेटर देखिए, जो पुरानी वाली इंडिकेटर है वही, इसमें LED दे सकते थे बजाज वालों को, सुधारना चाहिए, बट नहीं सुधार रहे। इन थोड़ी सी कम प्राइस में आपको 220 cc की मिल जाती है, और क्या चाहिए। अभी 160 की आप NS लोगे तो इससे महंगा, वर्लपूल की देख लीजिए आप, ये वाला मिलेगी जो कि वर्लपूल में आती है, हल्का सा जो रेडी वाटर टाइप से थोड़ा सा रहता है। और इसकी लुक्स की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, जो कि 2010 से अभी तक चलती आ रही है। और इसकी सीटिंग कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग पोस्चर भी साथ में, और पिलियन का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है जो पीछे बैठते हैं। तो इसमें थकावट नहीं होती लॉन्ग ड्राइव में ही। तो बस आज के लिए इतना।